वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के दानगंज विदुर स्थित प्राथमिक स्कूल है, जहां 141 बच्चे पढ़ते हैं। उसमें से 113 बच्चे विगत एक महीने से एक बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी के असर से बच्चों के गाल में सूजन, स्किन में काले रंग के धब्बे और शरीर में खुजली हो रही है। बच्चे ठीक से न तो खा पा रहे हैं, ना ठीक से बोल पा रहे हैं। यह बीमारी बच्चों में स्कूल से ही शुरू हुई थी, इसलिए इस बीमारी के डर से बहुत सारे बच्चों ने स्कूल आना बंद कर दिया है। जी, गाल खुला था, अभी थोड़ा दवाई खा रही तो बच गया। तो इससे क्या दिक्कत हो रही है आपको? कि हम बोल नहीं पा रहे और खा नहीं पा रहे मीठा चीज। तो आप क्या चाहती हैं? कि सब बच्चे ठीक हो जाए और अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से लिखे उखे, कुल खेले खाए पिए मस्त से रहे। जब बच्चों की छुट्टी हुई थी, बच्चे ठंड की वजह से स्कूल नहीं आ रहे थे और अध्यापक आ रहे थे हम लोग, फिर 16 तारीख को जब बच्चे विद्यालय में आए तो हम लोग जब बच्चों का उपस्थिति दर्ज कर रहे थे तो पता चला कि बच्चे ज़्यादातर बच्चे जो अनुपस्थित हैं। जब कारण पूछा गया हम लोग बच्चों से तो बच्चों ने बताया कि सर उनको गाल सूजा रोग हुआ, गालू माता हुई। इसके बाद जो संपर्क किया गया चोलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोला, तो वहाँ से डॉक्टर साहब लोग को बताया गया, तो फिर वहाँ से डॉक्टर साहब लोग कुछ लोग आए और कुछ बच्चे ज़्यादा इफेक्टिव थे, उनको जो है उल्टी उल्टी भी हो रही थी, काफ़ी तेज बुखार था जैसे कर्मा की निर्जला है। फिर हमने जो है 108 एम्बुलेंस 108 पर हमने फ़ोन करके बुलाया, फिर एम्बुलेंस आई, उनका चोलापुर इलाज हुआ। अब तक आपके विद्यालय में कुल कितने बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हैं? जब डॉक्टर साहब चेक किए थे, बहुत ही गहन तरीके से जाँच की, तो करीब 112-113 बच्चे हैं, कम ज़्यादा। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करती हूं कि आप चोलापुर सीएमओ के मोबाइल नंबर 94153013 पर कॉल करके दबाव बनाए ताकि इस बीमारी का सही ढंग से इलाज हो सके। मैं शबनम, वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।